सार्वजनिक निकाय चुनाव में धरना प्रदर्शन और आरोप लगे थे मारपीट करने के वीडियो वायरल हुआ, तमाम काफी दिन हो गए पार्टी ने कुछ एक्शन नहीं किया मामले में, तमाम पार्टी बजी हुई उसमें। देखिए चुनाव में कि चुनाव तो मैं जानता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हुए, अब लोग हार गए, हारा जीते से या काउंटिंग से लोग नाराज हुए, लोग मतलब क्या वैसे वो तो आपकी पार्टी के ही लोग मान लीजिए, हमारी पार्टी अधिकारियों को चाहिए उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ये गर्व से अरे रुक जाओ, हमारी ही सरकार जो है वो निष्पक्ष चुनाव करा सकती है। निष्पक्ष मार्केट हुई सर, निष्पक्ष आपके कार्यकाल मार्केट में वीडियो वायरल हुआ, ये भी अब उनसे जब मैं बात करता हूँ अधिकारियों से, उनका कहना है कि साहब वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जहाँ पर जो गोल टेबिल क्या बोलते हैं आरओ टेबिल जो होती है वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, अब वहाँ धरना प्रदर्शन में कोई बैलेट पेपर भर देता या कोई पानी डाल देता तो ये चुनाव पूरा निरस्त हो जाता जो चुनाव कराया गया। हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव में मतगणना भी शांत तरीके से कराओ बिना विविधान के, तो इसके लिए मैंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया आपको धरना प्रदर्शन करना है तो कृपया बाहर जाके आप खुले में कर सकते हैं, बाहर करें। अब इस पर अटक भी हुई, अच्छा थोड़ा सा हल्का फुल्का भाई ये भी वो कह सकते हैं हमारे कर्मचारियों ने हमारे फोर्स ने थोड़ा बलपूर्वक भी हटा दिया होगा, लेकिन व्यू हमारा ये अरे रोक लीजिए देख लो सांसद जी हटा दिया नहीं होगा, वीडियो में साफ है कि आपके जो नेता हैं वो पीटे गए हैं एक अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, हटा नहीं दिया गया ये वीडियो में, जिसमें वीरन कर मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन हम है सब कुछ इस तरीके से पिटे हैं सभी कुछ जाए है कुछ नहीं है। ठीक है लेकिन मैं दोनों बातें हम अधिकारियों का भी पक्ष रख रहा हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी पक्ष रख रहा हूँ, मैंने यही अधिकारियों से कहा थोड़ा संयम से, उनका काम है कि मैं शांतिपूर्वक मतगणना करवाऊँ और हमारे कार्यकर्ताओं का भी था कि न्याय पक्ष तरीके से न्याय तरीके से मुझे संतुष्ट करते हुए सब लोगों को संतुष्ट करके मतगणना होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं समंजस की कमी रही है, लोगों ने अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को या जो भी काउंटिंग जो एजेंट लगे थे मत गणना में जो लोग लगे थे उन्हें संतुष्ट और कार्यकर्ताओं को नहीं कर पाया, उसी का एक हाथ जाए कार्यकर्ता का जिला अध्यक्ष थे ना वहाँ पे जिला अध्यक्ष चुनाव में हार के कारण क्या मानते हैं? देखिए जनता ने जो भी मतदान दिया जो भी मैंडेट दिया है जिसे भी समर्थन दिया जो जीता है उसे मैं उसे बधाई देता हूँ और जो जनता ने जो भी अपना निर्णय सुनाया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अपने हार की हमें स्वयं समीक्षा करेंगे और उसके आगे प्रयास करेंगे कि हम इससे अच्छा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। पिछली बार 6-3 जीते थे, 9 इस बार 9-2 जीते हैं, तो लेकिन हमारे कहीं 6 महीने बाद आप लोकसभा में जा रहे हैं, हमारे चुनाव जो है पहले से ज़्यादा हमारे वोट लाए हैं, हमारे जो भी कैंडिडेट चुनाव जरूर आ रहे हैं हम, लेकिन हम चुनाव हारने के बावजूद भी वोट परसेंटेज आप देखिए चाहे कमालगंज में देख लीजिए चाहे आप शमशाबाद में देख लीजिए चाहे कायमगंज में देख लीजिए, हम पहले से वोट ज़्यादा लाए हैं, चुनाव हम उनके वोट का बिखराव विपक्ष का जो है वोट का बिखराव नहीं हो पाया, हमारे वोट का बिखराव हुआ लेकिन जो है उनकी एकजुटता की वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़े वोट से हार गए, लेकिन दूसरा परसेंटेज भी थोड़ा फर्क आ रहा है जनपद का, पहले की तुलना में थोड़ा परसेंटेज भी डाउन रहा वो भी हार का थोड़ा सा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि लोकप्रियता में कमी हो। दूसरा ये है कि उन लोगों ने हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी ने कहा कि मुझे कार्यकर्ता ही लड़ाना है, अब कार्यकर्ता लड़ाना तो कार्यकर्ता बाहर जो लड़े वो कोई पैसा लड़ाने, हमने तो पिक्चर वाले को लड़ाया, एक हमने तो फेरी लगाने वाले को लड़ाया, तो वहाँ जो लोग लड़े हैं वो संपन्न लोग लड़े हैं, पैसा भी धन बल का प्रयोग किया गया और बाहुबल का भी प्रयोग किया गया, धनबल और सबका उपयोग दारू का उपयोग किया गया, लेकिन
हमारे यहाँ किसी तरह से किसी भी कैंडिडेट ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। आपने देखा फरखाबाद में भी एक पैसा खर्चा नहीं है, निष्पक्ष जैसे चुनाव लड़ा जा सकता है, जितना सज्जनता से जितना भय से तो वैसे चुनाव लड़ा गया और जनता ने जो आशीर्वाद दिया जो मैंडेट दिया वो इतनी सज्जनता से चुनाव लड़ने के बाद आपके कार्यकर्ता पीटे गए मतगणना के दौरान, तो अधिकारी गलत थे या कार्यकर्ता कोई गलत नहीं है, कहीं ना कहीं अधिकारियों जिलाध्यक्ष का आरोप है की जिलाध्यक्ष का आरोप है की प्रशासन ने हमको हराया है और दूसरे को जिताया है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा प्रशासन हमारा ही है, हमारा प्रशासन बाहर का नहीं है, प्रशासन भी हमारा है, कार्यकर्ता भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, ना कोई नहीं अपनी अपनी जगह दोनों लोग सही है। उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना था, शांतिपूर्वक मतगणना करानी थी, उन्होंने अपना काम किया, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे, ये कार्यकर्ता अभी उप मुख्यमंत्री साहब आए थे तो कार्यकर्ता खुशी हुई, चलो कार्रवाई होगी, उनने पीट भी नहीं फैलाई कार्यकर्ता, कहाँ लाठी पड़ी तो आए अपने खा पी चले गए। हमारा कार्यकर्ता मजबूर है, कमजोर नहीं है, वो इंतजार दोनों करता है, हमारी पीटी कोई साथ नहीं मजबूती तो कितने मजबूत।